हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। अभी आप देख रहे हैं AKS ऑटोमेशन की सबसे सस्ती सेमी वैल्यू काउंटर। ठीक, ये मशीन आपकी हैवी ड्यूटी कैश काउंटिंग मशीन है और सेमी वैल्यू कैश काउंटिंग है। ठीक, इस सबसे सस्ती है, लो बजट की सेमी वैल्यू काउंटर है। मशीन का प्राइस जानने के लिए आपको हमें इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लाइव प्राइस ले सकते हैं, जो भी करंट चल रहा होगा। ठीक, तो वीडियो में प्राइस इसलिए नहीं बताते क्योंकि प्राइस अप डाउन हो सकता है। आप वीडियो पहले आज की है, लेकिन आप एक साल बाद प्राइस पूछेंगे तो तब दाम बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आपको जब भी प्राइस खरीदना हो तभी आप लाइव इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके इन नंबरों पे आप प्राइस ले सकते हैं। बाकी AKSautomation.com पर भी ये मशीन उपलब्ध है। तो चलिए अब इसका यूज देख लेते हैं। तो ये आपका देखिए, पहली बात तो पीसीस में काउंट करती है और मैनुअल आप पीस सेलेक्ट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी ये 500 के नोट थे, 20 पीसीस हैं टोटल काउंट हो गए। तो यहाँ से आप वैल्यू प्रेस करेंगे तो देन यहाँ आपके पीस सेट वैल्यू आएगी। जैसे 10 की वैल्यू आ रही है, फिर हमने 20 किया, हमारे 500 के नोट हैं तो हमें 500 की वैल्यू पे चूज कर लेना है। ये आ गया हमारा 500। तो इस हिसाब से आप देखिए, 10 जितने भी नोट हैं उसके हिसाब से उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। 20 नोट हैं तो 10,000 उसकी वैल्यू हो गई। ठीक, और जैसे आप ये 20 के नोट हैं तो ये 20 के नोट है तो इनकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें वैल्यू 20 की सेट करनी होगी, 10 एंड 20। अब 20 की वैल्यू सेट हो गई है, आप जूम करके देख सकते हैं। ठीक, 20 की वैल्यू सेट हो गई है। तो अब हम इसमें ये 20 के नोट इंसर्ट करेंगे तो हमारी 20 के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, यानी 100 नोट है और 2000 इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब साथ में फेक नोट डिटेक्शन भी देख लेते हैं कि फेक नोट डिटेक्शन कैसे होता है। तो इसमें आपको UV और MG के जरिए फेक नोट डिटेक्ट हो जाता है। तो अभी देखिए, हम इसमें नोट डालते हैं, जैसे डुप्लीकेट नोट आएगा मशीन रुक जाएगी। स्क्रीन का कलर आप देखेंगे रेड में बदल गया, तो जो भी स्टेकर में लास्ट नोट होगा ये आपका नकली होगा। उसको निकालने के बाद आगे की काउंटिंग के लिए हम रिस्टार्ट बटन पर प्रेस करेंगे या इन नोटों को उठा के रखेंगे तो भी हमारी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। तो 100 के नोट हैं, 20 के नोट हैं, 100 पीसीस हैं, 2000 वैल्यू आ गई। ठीक, बाकी अदर फंक्शन भी होते हैं इसमें, जैसे ऐड बैच के फंक्शन हो गए। ठीक है, पहले तो हम वैल्यू क्लोज कर देते हैं वैल्यू की हेल्प बटन से। अब जैसे बैच बनाना हो आपको, तो यहाँ देखिए पहले से बैच प्रेस करते ही ऐड और बैच का की सेम है। जैसे ही बैच प्रेस करेंगे 100 का बैच आ जाएगा, बाकी आप दोबारा प्रेस करेंगे 50 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ऐड आ जाएगा। तो ये प्रीसेट बैच है। अब मान लीजिए मुझे 25 का बैच बनाना है तो मैं 20 पे आऊँगा, उसके बाद ये प्लस माइनस की हेल्प से 25 चूज कर दूंगा। अब देखिए 100 नोट इंसर्ट करेंगे तो 25 करके चार बैच बन जाएंगे। ये फर्स्ट बैच है, सेकंड बैच, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ। 100 नोट थे, 25 के हिसाब से आपके चार बैच बन जाएंगे। ठीक, अब आते हैं ऐड का यूज करते हैं। इसी को दोबारा दबाएंगे हम तो ऐड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड मोड आ गया। तो ऐड में क्या है कि आपको जब लगातार काउंटिंग करने तो कम होता जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम हम इंसर्ट करते हैं तो 100 नोट काउंट होगा, दोबारा इंसर्ट करेंगे तो कम हो जाएगा, प्रीवियस काउंटिंग में 200 हो जाएगा। ठीक, एक बार और ऐड करते हैं, 300 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस मशीन का यूज कर सकते हैं। सिंपल इजी टू यूज मशीन है, छोटे से बड़े तक सभी नोट आपके इजीली काउंट हो जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। और मशीन को खरीदने के लिए फिर से एक बार बता दूं, इन नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप करें और लाइव प्राइस लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहिए। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह, जय हिंद।